नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। धूरी यादव हत्याकांड मामले में एसआईटी ने दो साजिशकर्ता को किया गिरफ्तार, एसएसपी ने शूटरों का स्केच किया जारी। चार दिवसीय भागलपुर रंग महोत्सव का हुआ आगाज, 18 राज्यों के कलाकार करेंगे अपने कला का प्रदर्शन। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा को लेकर नर्सिंग की छात्राओं ने निकाली रैली, परिवार नियोजन के प्रति लोगों को किया जागरूक। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, चालक की हुई मौत, दो की हालत गंभीर। और राजस्तरीय अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट में मुजफ्फरपुर ने भागलपुर को 2 रनों से किया पराजित, खिताब पर जमाया कब्जा। और अब खबरें विस्तार से। धूरी यादव हत्याकांड के उद्भेदन को लेकर गठित एसआईटी की टीम ने हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तकनीकी एवं पारंपरिक अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने हत्याकांड में साजिशकर्ता उर्दू बाजार निवासी राजकुमार यादव और मुंगेर निवासी सुमन कुमार को दबोच लिया। गुरुवार को एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि धूरी यादव की हत्या उर्दू बाजार स्थित जमीन विवाद में की गई थी, जिसमें कुख्यात अपराधी अजय मिश्रा ने धूरी यादव के सभी विरोधियों को एकजुट कर साजिश के तहत घर के समीप ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। एसएसपी ने कहा कि घटना में शामिल शूटरों का स्केच तैयार किया गया है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल 4 नवम्बर को उर्दू बाजार स्थित वाजिद अली लेन के मुहाने पर शूटरों ने धूरी यादव को गोलियों से छलनी कर दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी राजफन सिंह सहित एसआईटी में शामिल पुलिस जवान मौजूद थे। इसको शाम के समय में उर्दू बाजार स्थित वाजिद अली गली जाने वाले त्रिमुहानी के पास उर्दू बाजार निवासी चिरंजीवी कुमार और धूरी यादव की हत्या गोली मार कर दी गई थी, जिस संबंध में करतारपुर थाना कांड संख्या 286/19 दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है राजकुमार यादव तथा सुमन कुमार। इन दोनों के बारे में अभी तक के जो अनुसंधान है उससे यह पाया गया है कि दोनों की पूर्व दुश्मनी जो मृतक है उससे थी, और विशेष करके जो राजकुमार यादव है उसकी काफ़ी लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी, और अभी विगत के कुछ महीनों से या वर्षों से दोनों लोग वहाँ पे वर्चस्व के लिए वहाँ पे लड़ रहे थे। विशेष करके जो जमीन का जो प्लॉटिंग है उसमें ये लोग शामिल थे, और इसी क्रम में इन सभी लोगों के द्वारा वहाँ पे एक आपराधिक योजना बनाते हुए जो मृतक है उसकी हत्या कराई गई है। इस मामले में पुलिस के द्वारा जो घटना में शामिल अन्य साजिशकर्ता हैं और अन्य जो शूटर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा अनुसंधान क्रम में 3 स्केच बनवाया गया था, जो स्केच के लिए वहाँ से पटना से बुला करके, और क्योंकि शूटर का जो फोटो है वो उपलब्ध हुआ है उससे थोड़ी सी और उसमें डिटेल की आवश्यकता है, तो स्केच को बनवाया गया था। और हम लोग सभी से अपील करेंगे कि इस स्केच के माध्यम से और ये जो फोटो है उपलब्ध उसके शिनाख्त करके अगर कोई सूचना हो तो वो हमें दें, ताकि हम लोग इनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर सकें। रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा गुरुवार को कला केंद्र में 8वां रंग महोत्सव के प्रथम दिवस की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन मेयर श्रीमा शाह, उप महापौर राजेश वर्मा, डॉक्टर प्रीति शेखर एवं राजीव कांत मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें, कार्यक्रम में समूह लोक नृत्य प्रतियोगिता के अलावा 5 अलग-अलग भाषा में लघु नाटक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। देश के 18 राज्यों से आए कलाकारों द्वारा हिंदी, बंगला, मणिपुरी एवं उड़िया में नाटक मंचन भी किया गया। मौके पर उपमहापौर राजेश वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि 8वां रंग महोत्सव भागलपुर के सभी कलाकारों के लिए जिला का सबसे अहम मंच है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 18 अलग अलग राज्यों से कलाकारों का आना और अपनी कला का भागलपुर की धरती पर प्रदर्शन करना जिले के लिए गर्व की बात है। मौके पर मेयर श्रीमा शाह, उपमहापौर राजेश वर्मा, डॉक्टर प्रीति शेखर, राजीव कांत मिश्रा, श्वेता तिवारी, विनय राज व
हुए अन्य कलाकार एवं कला प्रेमी उपस्थित थे। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा अभियान को लेकर गुरुवार को भागलपुर सदर अस्पताल परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रैली में शामिल सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग की छात्राएं हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर आम लोगों को जागरूक करती दिखी। रैली सदर अस्पताल परिसर से निकलकर बड़ी पोस्ट ऑफिस होते हुए समाहरणालय पहुंची। उसके बाद रैली वापस सदर अस्पताल पहुंचकर संपन्न हो गई। रैली में छात्राओं ने परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर आम लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर काफी संख्या में अस्पताल कर्मी एवं छात्राएं मौजूद थीं। कटोरिया देवघर मुख्य सड़क मार्ग तिलैया मोड़ के समीप तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया। घटना में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक की पहचान कठोन गांव निवासी रंजन कुमार उर्फ डब्लू के रूप में हुई है। वहीं दोनों घायलों का इलाज कटोरिया रेफरल अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक रंजन अपने ससुराल से साला और शारू की लड़की को लेकर बाइक से कटोरिया जा रहा था। उसी दौरान तिलैया मोड़ के समीप सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दिया। घटना के बाद स्कॉर्पियो का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कटोरिया पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। भागलपुर जिला प्रशासन की मेजबानी में चल रहे राज्य स्तरीय अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भागलपुर और मुजफ्फरपुर के बीच गुरुवार को सैंडिस कंपाउंड में खेला गया। भागलपुर ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया, जिसके बाद बैटिंग करने मैदान में उतरी मुजफ्फरपुर की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाया। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी भागलपुर की टीम महज 82 रन ही बना पाई। मुजफ्फरपुर की टीम ने भागलपुर को 2 रनों से पराजित करते हुए राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के खिताब पर कब्जा जमा लिया। मैन ऑफ द सीरीज मुजफ्फरपुर के रवि राज बने, जबकि बेस्ट बॉलर भागलपुर के आदर्श और बेस्ट बल्लेबाज का खिताब मधुबनी के अभिनव कुमार को मिला। निर्णायक की भूमिका मधुबनी के सुरेंद्र नारायण सिंह और पटना के जसीम अहमद ने निभाई। यह राज्य स्तरीय अंडर 17 बालक क्रिकेट प्रतियोगिता था, जो 10-19 से चलकर आज 28 को फाइनल सम्पन्न हुआ। इसमें जो चयनित उनका 15 दिन का कैंप लगेगा पटना में कंकड़बाग स्टेडियम में, और उसके बाद जो फाइनल चयनित खिलाड़ी होंगे वहाँ 25 लड़कों का भी कैंप लगेगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 16 खिलाड़ियों को जाना है, उन 25 में से 16 जो बेहतरीन खिलाड़ी होंगे उनका चयन कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बिहार का प्रतिनिधित्व करें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070907567635423153154620102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र लाल कोठी में आग से जलकर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं महिला को बचाने पहुंचा पति भी आग की चपेट में आ गया। घटना के बाद आनन फानन में महिला को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घायल महिला की पहचान सुष्मिता भारती पति राजीव पांडे के रूप में हुई है। मामले को लेकर पति राजीव पांडे ने बताया कि खाना बनाने के दौरान अचानक आग लग गई। वहीं घायल महिला के भाई मनोहर पांडे ने बताया कि घरेलू विवाद को लेकर ससुराल वाले बहन को हमेशा प्रताड़ित करते थे और ससुराल वालों के द्वारा ही आग लगाकर हत्या की साजिश रची गई थी। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और हादसा के वक्त हम थे नहीं, जब हम आए हैं तो हम देखे हादसा हो चुका था। मामला क्या है? मामला आग जलने का मामला है। ठीक है, लड़की मेरी बहन है, वो अपने आप को आग लगाई है या उसको लगाया गया है। सास ससुर उसका निशान को मिटाने का कोशिश किया जा रहा था जब मैं आया तो। ठीक है, जो जला हुआ कपड़ा था वो सब समेट करके हटा रहा था वो। शादी कब हुई थी? शादी हुई है लगभग 10 साल पहले, क्योंकि आपस में विवाद बहुत दिन से चल रहा था। कई बार हम बोले थाना को सूचना दे दो। ऐसा एक बार 4 साल पहले भी हुई थी, उसको गायब करने का कोशिश किया गया था तो थाना को हमने इन्फॉर्म किया था। ठीक है, फिर बाद में 24 घंटे के बाद उसको बरामद किया। नौगछिया SDO मुकेश कुमार ने गुरुवार की सुबह नौगछिया अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान SDO ने लेबर रूम, महिला वार्ड, इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया। इस दौरान SDO ने अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों एवं भर्ती मरीजों से अस्पताल द्वारा मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। SDO ने कई मरीजों से भोजन एवं डॉक्टरों द्वारा इलाज की जानकारी ली। वहीं SDO ने अस्पताल की उपस्थिति पंजी की जाँच की, जिसमें 2 कर्मी अनुपस्थित पाया गया, जिससे SDO ने स्पष्टीकरण पूछा। इस दौरान पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा रहा। NCC निदेशालय बिहार झारखंड की ओर से 19 नवंबर से 29 नवंबर तक गंगा अनुभूति को लेकर पटना से नौका अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका समापन गुरुवार को भागलपुर के मुसारी गंगा घाट पर हुआ। इस दौरान NCC कैडेटों के द्वारा सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा, स्वच्छ भारत अभियान को कैडेटों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जगह जगह लोगों को जागरूक करते हुए भागलपुर पहुंचे। नौका अभियान में 250 किलोमीटर की गंगा यात्रा में 250 NCC कैडेट शामिल थे। इस दौरान मुसारी घाट पर एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें NCC के वरीय अधिकारियों ने NCC कैडेटों का हौसला बढ़ाया। बिहार के जितने भी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए मुहिम हैं, उसमें जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज की प्रथा, स्वच्छ भारत जैसे अभियानों को हम लोगों ने रैली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के बीच में दर्शाया। भागलपुर नगर निगम कार्यालय में गुरुवार को नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी ने वार्ड संख्या 1 से लेकर 10 तक के पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में नगर आयुक्त ने सभी वार्ड पार्षदों से वार्ड में पेयजल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था और योजनाओं से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान पार्षदों ने नगर आयुक्त को जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था एवं विकास योजनाओं से संबंधित कार्य नहीं होने की बात कही, जिस पर नगर आयुक्त ने जल्द ही समस्या समाधान कर लेने का आश्वासन दिया। वहीं मेयर श्रीमान शाह ने भी पार्षदों का समर्थन करते हुए वार्ड में विकास कार्य नहीं होने की बात कही। बैठक में मेयर सीमा शाह, पार्षद एवं निगमकर्मी मौजूद थे। कहलगांव SDO सुजय कुमार सिंह के निर्देश पर सनहौला प्रखंड के 18 पंचायतों में गुरुवार को POS मशीन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पंचायत भवन में लगाए गए शिविर का नेतृत्व पंचायत के मुखिया ने किया। शिविर में मौजूद लाभुकों और जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को POS मशीन के द्वारा मिलने वाले राशन का उठाव किस तरह होना चाहिए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं सिलहन खजूरिया पंचायत के मुखिया सुभाष चंद्र भगत, प्रमुख प्रतिनिधि सुजीत कुमार, कार्यपालक मोहम्मद नाजिम अंसारी, आवास सहायक राजेश कुमार, विकास मित्र डेजी कुमारी ने संयुक्त रूप से राशन कार्ड धारियों को शिविर के माध्यम से POS मशीन के बारे में जागरूक किया। जगदीशपुर के गोनूधाम तरडीहा पंचायत में गुरुवार को किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि समन्वयक संजीव कुमार ने सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी किसानों को दी। कृषि समन्वयक ने कहा कि किसान चौपाल का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को समृद्ध करना है। उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, रवि अभियान की जानकारी किसानों को विस्तार पूर्वक दी। इस मौके पर रंजन कुमार, मुकेश कुमार, किसान सलाहकार सज्जन कुमार, प्रज्ञा भारती, उर्षा जरीन सहित काफी संख्या में किसान मौजूद थे। मेरा नाम मुकेश कुमार है, हम कृषि समन्वयक जगदीशपुर में है पदस्थापित हैं। हमारे अंदर 2 पंचायत है, सनौली पंचायत और बलवाचौक।
सनौली पंचायत में आज किसान चौपाल का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें कि पंचायत के सभी किसान बंधु ने भाग लिया। उसको हम लोगों ने किसान योजनाओं के बारे में, कृषि संबंधित योजनाओं के बारे में किसान चौपाल के माध्यम से उन लोगों को सारी जानकारी हम लोगों ने दिए, जैसे मुख्यमंत्री बीज विस्तार योजना के बारे में, गेहूँ चना मसूर बीज के बारे में बताया गया, प्रधानमंत्री बीज विस्तार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी दी गई। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर अपराधियों एवं शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 15 लोगों को जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने कुर्की जब्ती के 3 मामलों का निष्पादन किया, जबकि वाहन चेकिंग अभियान में 553 वाहनों की जाँच की गई, जिससे 34,500 रुपया का जुर्माना वसूला गया। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। धूरी यादव हत्याकांड मामले में एसआईटी ने 2 साजिशकर्ता को किया गिरफ्तार, एसएसपी ने शूटरों का स्केच किया जारी। 4 दिवसीय भागलपुर रंग महोत्सव का हुआ आगाज, 18 राज्यों के कलाकार करेंगे अपनी कला का प्रदर्शन। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा को लेकर नर्सिंग की छात्राओं ने निकाली रैली, परिवार नियोजन के प्रति लोगों को किया जागरूक। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, चालक की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर। और राज्य स्तरीय अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट में मुजफ्फरपुर ने भागलपुर को 2 रनों से किया पराजित, खिताब पर जमाया कब्जा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।